हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है, कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से, ठीक है। इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जनरल सी बात है कि लोकतंत्र जो है दक्षिण एशिया के लोगों के लिए पहला पसंद बनता जा रहा है, और इस कथन को आपने सिद्ध करना है कि किस कारण से, कैसे। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। किए गए सर्वेक्षण के अनुसार नतीजे बताते हैं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के सभी 5 देश लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, और विभिन्न धर्मों के लोग, आम नागरिक, अमीर और गरीब सभी लोकतंत्र के विचार को सकारात्मक रूप से देखते हैं। यानी देखा जाए तो लोकतंत्र हर एक व्यक्ति जो है मानता है, और प्रतिनिधि लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन भी करता है। अब कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं जिसे जो अंतर्गत ये बात साबित करता है कि सारे के लोग जो हैं, यानी देखा जाए तो दक्षिण एशिया के जितने भी लोग हैं वो लोकतंत्र को बहुत पसंद करते हैं, और ये बात क्लियर किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलिए इन्हीं बातों पर जो है आगे हम विस्तार पूर्वक सोचें और विचार करें कि आखिर किन कारणों से जो है लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो हम नेपाल की करें तो नेपाल में आपको पता है राजशाही से लोकतंत्र में तब्दीली हो गई है। पहले नेपाल में देखा जाए तो 1990 से पहले के दशक में राजशाही था, लेकिन वहाँ के लोगों ने स्ट्राइक करके, आंदोलन करके 1990 में राजा को मजबूर कर दिया कि देश को जो है लोकतांत्रिक किया जाए, और देश 1990 में लोकतांत्रिक भी हो गई। फिर बात आई 2002 में, जब राजा ने हर कंडे अपना के, हर तरह के पैतरा अपना के लोगों को मजबूर करके फिर से जो है राजशाही शासन को लागू कर दिया और लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया। फिर क्या हुआ, लोग भी पीछे नहीं हटे, और फिर 2006 में फिर से आंदोलन हुई, फिर से संघर्ष हुआ, और फिर से राजा को जो है वहाँ पर राज्यसभा के जो है लागू करना पड़ा, यानी वहाँ पर गठित करना पड़ा, फिर से लोकतंत्र को बहाल करना पड़ा। लेकिन अब लोग यहाँ तक चुप नहीं रहे, लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक संविधान भी होना चाहिए। फिर वहाँ पर 2006 में संविधान का भी निर्माण किया गया, और तब से आज तक जो है वहाँ पर करीबन लोकतंत्र का ही राज चल रहा है, राजशाही नहीं आई है। तो ये बात यहाँ पर साफ करता है कि लोगों को लोकतंत्र बहुत पसंद है, क्योंकि कभी राजा का राज्य, कभी लोकतंत्र का राज्य। चलिए, ये राजा का जो है अपना एक षड्यंत्र है कि राज्य को ख़त्म नहीं किया जाए, अपने शासन को बरकरार रखा जाए, इसलिए लोगों में जो है लोकतंत्र की भावना को ख़त्म किया गया। लेकिन वहाँ के लोग भी बहुत समझदार थे, कहते हैं दक्षिण एशिया के जितने भी जो लोग हैं वो लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं, और ये नेपाल की बातों से साफ यहाँ जाहिर होता है। और यहाँ नेपाल की ही बात ना करें, कहते हैं अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद में श्रीलंका और भारत सफलतापूर्वक लोकतंत्र व्यवस्था संचालित किया है। यानी देखा जाए तो आज हम 2023 में जो है बिलोंग कर रहे हैं, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तब से जो है भारत ने अब तक जो है लोकतंत्र का ही सहारा लिया है। लेकिन आगे आने वाला समय में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं भारत में, ये इस पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जैसे जैसे राजनीति में हालात पैदा होते जा रहे हैं लगता नहीं कि लोकतंत्र अब यहाँ पर जो है बच सकेगा, क्योंकि कहते हैं जो सत्ता के लालची लोग सब हैं भारत को कई टुकड़े करने में लगे हुए हैं, तरह तरह के जो है हड़कंडे अपना रहे हैं और तरह तरह के रूल रेगुलेशन बनाते जा रहे हैं। तो जनरल सी बात है, जो इतने सालों में नहीं हुआ कहीं अब वो हो ना जाए, ये बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। श्रीलंका में देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ संघर्ष अच्छा नहीं रहा है, कहते लोकतंत्र तो है, भारत में भी लोकतंत्र है, श्रीलंका में भी लोकतंत्र है, लेकिन श्रीलंका में सिर्फ एक ही धर्म की प्रायोरिटी दी जाती है, सिली की दी जाती है, और तमिली को जो है वहाँ पर नकारा जाता है, जिसके कारण लोकतंत्र होने के पश्चात भी यहाँ पर जो सरकार सिर्फ सिली की तरफ ही नज़र रखती है। तो इसके कारण भी लोकतंत्र होने के पश्चात भी यहाँ पर जो है दो रवैया हो रही है, जो कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कभी भी सही नहीं होगा। आगे हम भूटान की बात करें तो भूटान जो है राजाशाही के से लोकतंत्र परिवर्तन हुआ है। भूटान ने भी जो वहाँ पर राजशाही तंत्र थी, क्योंकि आपको पता ही होगा जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सभी देशों ने अपने आप को अलग कर लिया था, तो भूटान भी, जैसे बांग्लादेश भी, जैसे पाकिस्तान भी,
सब के सब अलग हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोगों को लोकतंत्र बहुत पसंद था। उस समय राजवाड़े थे, प्रिंसेस स्टेट था, तो उन्होंने अपने स्टेट को प्रिंसेस स्टेट ही रहने दिया, भारत में सम्मिलित नहीं हुए। तो वो जो है अब वहाँ के लोग जो है भारत को देख के लोकतंत्र की मांग किया और वहाँ पर जो है उन्होंने राजशाही से लोकतंत्र में बदल डाला। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव भी इसके पीछे पीछे नहीं रहा है। मालदीव बहुदलीय प्रणाली के साथ साथ राष्ट्रपति शासन प्रणाली के साथ जो है सल्तनत के गणतंत्र बना लिया है, यानी मालदीव भी पीछे नहीं रहा है। वो भी जो है बहुदलीय प्रणाली के साथ साथ राष्ट्रपति शासन प्रणाली को भी जो है सल्तनत गणतंत्र से बना लिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कि सब बातों से एक बात तो साफ हो जाता है कि इस निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोकतांत्रिक अनुभव को मिश्रित रिकॉर्ड के बावजूद दक्षिण एशिया के सभी लोगों ने लोकतंत्र का आकांक्षाओं को साझा करते हैं। यानी देखा जाए तो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, जितने भी यहाँ पर लोग निवास करते हैं, उनको लोकतंत्र में बहुत विश्वास है। और लोकतंत्र में विश्वास क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुना गया सरकार होती है और लोग अपने मनमर्जी जो है सरकार चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज लोकतंत्र का अर्थ बदलता जा रहा है। आप जनता हो वो भी गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप लालचों में आ जाते हो, लोगों के जो है गलत बहकावे में आ जाते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने प्रतिनिधि जो चुनते हो बड़े सोच समझ के चुनिए, क्योंकि आपका वो प्रतिनिधि आप पे 5 साल राज करने वाला है, ठीक है। और मुझे पता है जब इलेक्शन हो जाता है तो कोई व्यक्ति का हाथ नहीं उठता है कि भाई हम सरकार को चेंज कर दें, क्योंकि सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो जब भी आप वोट करते हो, लोकतंत्र को अगर आपको बचाना है तो ऐसे शासक चुनिए जो आपके लिए रहे, आपके लिए कार्य करे। ये ना कहे कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ किताबी बातों में नहीं होता है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उसको करके दिखाने से होता है। सबका है, किसी ने गरीबी हटाओ के नारा लगाया, किसी ने बेरोजगारी हटाओ का नारा लगाया, किसी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया। दोस्तों नारों के पीछे नहीं चाहिए, नारे तो देना तो सबका एक कर्तव्य होता है, तरह तरह की बातें आता है, लेकिन बात है कि आपको समझना है, आपको जानना है और आप अपने लिए प्रतिनिधि ऐसे चुनिए जो आपके लिए कार्यरत हो। कहते हैं अपने घर के लिए ना हो, ना अपनी जेबी गर्म करने के लिए हो, सिर्फ आपकी भलाई चाहते हो। और जनता की भलाई तब होता है जब रोजगारी खत्म होगी, अनपढ़ता खत्म होगा, महंगाई खत्म होगी और संप्रदाय दंगा फसाद खत्म होगा, तब जाके जो है कोई भी देश आगे बढ़ सकेगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप भी लोकतंत्र को पसंद करते हो, अगर साथ में त्रिपाण सेंटर को भी पसंद करते हो, तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो दोस्तों, चैनल पर तो मेरे बहुत से बंदे आते हैं, बहुत से आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं और परे मारते हैं, और बाद में फिर मुझे कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो आया नहीं। अरे भाई वीडियो तो आया, लेकिन आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला और आप उस वीडियो से अनभिज्ञ रह गए। अब इतने सारे वीडियो में ढूंढना आपके लिए बहुत दुष्कर्म कार्य हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए।